रविंद्र जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, बिनौला खल में जो तेजी है कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती रहेगी, या फिर बिनौला खल में भी एक ऊपरी स्तर देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनेगी? देखिए कोकोड की बात करें तो कोकोड प्राइसेस अभी लगभग 2% की तेजी के साथ अपसाइड मूव कर रहे हैं और यहां से फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। पहले भी हमने ये बताया था कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड अपर डायरेक्शन की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई दिख रही थी इस कमोडिटी में। और आज अगर हम देखें तो अपसाइड में 2600 के आसपास का हाई लगाने के बाद कमोडिटी अभी 25-30 के आसपास ट्रेड कर रही है, और अपर साइड में इसके पास अभी और भी रूम है, 2580 तक ये प्राइसेस जो है मूव कर सकते हैं। और अगर 2580 के ऊपर प्राइसेस ब्रेक करके फर्दर अपसाइड चलना स्टार्ट करते हैं तो 2900 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे, और सपोर्ट जो है ये 2480 का ही रहेगा, क्योंकि कॉटन प्राइसेस भी अपसाइड है तो वहां से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। और ऑयल सीड पैक की बात करें तो सोयाबीन भी अभी गिरावट नहीं शो कर रहा है और उस साइड से भी इसको स्ट्रेंथ मिल रही है, इसलिए हम देखते हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। जी,